अननेसेसरी जिग्ना मैडम किचन पे जाके डांस करते करते ओवर एक्टिंग की दुकान खोल बैठी। बिग बॉस को खाने के टाइम पे देखने से भाई अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी बम फूट सकता है। आज अचानक से पादने के टॉपिक को लेकर के और हगने के टॉपिक को लेकर के भाई खुलेआम और खुले शब्दों के साथ बातें की गई। सलमान भाई को इस चीज में इसकी तो UK07 यानी अनुराग जो है थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट लगे, इसलिए नहीं कि मुनव्वर उस पे चढ़ पड़ा, लेकिन जिस तरह से उस पे चढ़ा गया उससे तो यही समझ में आया अनुराग भाई जो है सॉफ्ट पड़ गए क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि पूरा दिन वो कौन सा काम कर रहे थे। फिर दूसरों से शेयर करते हैं कि मैं ये काम कर रहा था ना, नहीं मैं वॉशिंग कर रहा था, एंड फॉर दैट रीजन मुनव्वर प्लेड वेल। ये साला जो बवासीर था कुर 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 भाई, ये पहले हफ्ते में कल्टी होने वाला है, एंड आई एम ग्लैड। मुझे उस इंसान को बिल्कुल नहीं सुनना है जिसको ना हिंदी आती है ना भाई सब कुछ समझा सकते हैं। बाय द वे इस कुर कुर यानी नावेद से याद आया कि भाई अचानक भयानक गेमिंग वाले भाई साहब का इंग्लिश एकदम बोले तो कड़क है। तुमको बुखार आई हाथ पाओ हीलिंग हीलिंग भाई कड़क था ये वाला। देखो उम्र का तकाजा होता है और किसी पे लेट किसी पे सवेर जो है वो उम्र दिखना शुरू हो जाता है, और हमारी अंकिता लोखंडे जो है कुछ इस कैटेगरी में आ चुकी है, लेकिन फिर भी रिलेवेंट रहने के लिए थोड़ा ओवर एक्टिंग चल रहा है। विथ सस्ता अजय देवगन मिक्स विथ विकी कौशल, आपको भी ऐसा लगा क्या? बिग बॉस ने बीच में एक चीज तो सही कहा है, जितने भी हस्बैंड वाइफ आए हैं उस वाइफ के डर से जो है सारे हस्बैंड लोग घर पे भाई बहन बनाते हुए घूम रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस यार कि वाइफ के डर से तुम सारी लड़कियों को बहन बोलते हुए फिर रहे हो। दोस्त नाम की भी कोई चीज होती है, और अगर आप दोस्ती पे विश्वास नहीं करते मतलब आप पूरी तरह से दिमाग से गए हुए हो और सिर्फ गंदी मस्ती है अंदर में। आज के दिन में बिग बॉस ने पूछा कि बताओ मेरी कास्टिंग कहां पे गलत हो गई है, और हर घर में से जो है मुझे ये बताएगा हर कोई कि मेरी कास्टिंग गलत कौन सा इंसान है। तो भाई दिल वाले घर में सबने उंगली कर दिया मनारा को, और हाँ अपना सस्ता वर्जन ऑफ अजय देवगन ने भी मनारा को ही उंगली किया, जिसकी वजह से हमारी मनारा बेबी जो है बहुत ज्यादा हर्ट फील हो गई है। ऐसा कौन करता है यार। बाय द वे मनारा के एक्सप्रेशंस को कहीं लड़के लोग म्यूट पे जाकर के बाथरूम में इस्तेमाल तो नहीं करने वाले ना? ये मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? मेबी आई एम राइट। ये अपने तहलका वाले सनी पाजी, इनको लगता है कि ये सनी देओल लगते हैं, लेकिन मेरे नजरिया से अगर देखो तो ये अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ताराबाई जोगेंदर है, जिनके बाल हमेशा एक साइड से नीचे रहते और गहरी गहरी दाढ़ी, और ये जिस नजरों से लड़कियों को देखते हैं हवस से भरे दरिंदे जैसे लगते हैं। सो फॉर दिस टाइम और सिर्फ इस हफ्ते के लिए शायद मैं इनको कहूँ वहशी दरिंदा। दिल वाले दिमाग से कास्टिंग मिस्टेक थी मनारा, और दिमाग वाले घर से कास्टिंग मिस्टेक थे अपने कुर यानी नावेद, वहीं दम वाले घर से कास्टिंग मिस्टेक थे ओवर एक्साइटेड ओवर ऑब्सेस्ड और ओवर एक्टिंग करने की दुकान अभिषेक, जो कि पल पल में अपना पासा पलटते रहते हैं, पल पल में अपनी बातों से पलटते रहते हैं, और उसके बाद से वही हुआ जो कि हर सीजन में होता है आफ्टर द नॉमिनेशन। नो ऐसा नहीं है, मैंने उस वे में नहीं बोला था। आई एम वेरी सॉरी बेबी अगर आपको बुरा लग गया हो। अरे यार दिल पे मत ले, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट इन द हाउस यार, तुझसे सब डरते इसीलिए तो तुझे नॉमिनेट किया है। तो कुल मिलाकर के पहले पेल के फाड़ दो, फिर उस फटे हुए जगह पे जाके मरम लगा के मेरी बेबी को लग गया क्या? और ये बेबी इनका लड़कों से ज्यादा बनता है, लड़कियों से भी बन ही जाता है। मुझे लगता है बिग बॉस में इसका वाला सेक्शन जो है ना अवॉइड कर देना चाहिए, जहाँ जहाँ मनारा चोपड़ा दिखे मुझे कट लेना चाहिए, वरना अगले हफ्ते तक मेरा इंटर कुछ ऐसे होगा। हेलो गाइस, बाय द वे वीडियो को एंड करते करते आपको बताना चाहूंगा हमारे मुनव्वर भाई साहब द स्टैंडर्ड कॉमेडियन कम द शायर, उनका एक लाइन भाई मेरे दिल को छू गया। तो अर्ज है, खुशबू सब में थी पहचानते कैसे, खुशबू सब में थी पहचानते कैसे, लेने गया था फूल सब कांटे तोड़ लाए। नहीं समझ में आया ना, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है ना बहुत ऊंचे हैं, अपना टेस्ट को थोड़ा अपग्रेड करो। हमें समझ में आया, बिग बॉस को समझ में आया, तो मुनव्वर भाई के लिए वाह 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 क्या बात है। बाय द वे किसी ने नोटिस किया क्या, बिग बॉस की ठरक मनारा के साथ में कुछ ज्यादा जागी हुई है। शुरू से दोस्ती का हद बढ़ा रहे हैं, बात बात में जो फ्लर्ट कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे गद्दार है, मेरी दोस्ती को ठुकराया, मैंने हाथ बढ़ाया था पर तुमने नकार दिया। चलो इस ठरक के साथ में कुछ ज्ञान भी अच्छा दिया है कि ब्रिज मत बना कीजिए क्योंकि ब्रिज में से लोग गुजर जाते हैं। सो दैट्स इट, दैट वाज द हाईलाइट फ्रॉम द लेटेस्ट एपिसोड। व्हाट्स योर टेक, आपने क्या चीज को नोटिस किया और कौन सी चीजों से आप एग्री कर पाए हो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो लाइक और डिसलाइक करके जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।